कुछ वशिंदे इस गुरु घर का ना भी लिखण नहीं देंदे। आप शुरू से रहते हैं, कितने साल हो गए रहते हैं? हम लोग तो बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए। ये तुम्हारे बिरादरी को तो था मकान जैसा। हाँ, ये सरदारों के थे, अभी तो बेच के गए हैं। ये सारे हैं? हाँ जी। ये गुरुद्वारा ही था? हाँ जी, कम से कम 25-30 साल हो गए। ए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, बाबा मक्खन शाह लुभाणा, एक्स ब्लॉक मंगोलपुरी दिल्ली दा है। इथों दे एक रसूख नुमा कांग्रेसी रमेश कुमार ने हुजूम इकट्ठा कीता ते गुरु घर नूं अग ला दित्ती। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा कोर अपमान कीता गया कांग्रेसी रमेश कुमार दी अगवाई हेठ, ते ए हन इस गुरु घर दे मीत प्रधान। मैं एक्स ब्लॉक गुरुद्वारा का मीत प्रधान हाँ, सरदार खुशहाल सिंह। इतने गुरुद्वारा बनिया से साडा गुरु महाराज जी वीर भाई सिंह थे, ते लोगों ने सारे आके वीर साहब नूं जला दिता, ते अग ला दिती। 500-700 बंदे आ गए, ते असी बचाण की कोशिश की वीर साहब नूं, ते सानू भी मारन लग पाए। ते किस तरह करके अपनी असी जान बचा के अपने आसे पासे हो गए, ते लोगों ने वीर साहब नूं चुके बाहर फाड़ दिता, ते नाल ही मिट्टी का तेल पा के अग ला दी। तो बड़ी बड़ी तबाही की जबरदस्त, तो अपनी तो जान बचाना औखा हो गया थे सानू। महाराज की बड़ी बेइज्जती की इन्हां ने, तोड़ फोड़ किया, अग ला दी। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, आई ब्लॉक मंगोलपुरी दिल्ली। इस गुरु घर नूं नवंबर 1984 विच अग ला तबाह कर दिता गया अते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे स्वरूप नूं मिट्टी दा तेल पा अग ला दित्ती गई। इत्थों दियां इन्हां तंग गलियां विच सिखां दे घर सन। गलियां दे दोहां पासियां तों कातलां ने गलियां दे राह घेर लए अते सिखां नूं विचकार ही कोह कोह के साड़ दित्ता। पहले पार्क के एक खोखा तो एक कमरा जहाँ जी छोटा जी, उत्थे ही हजूर साहब का प्रकाश होंदा सीगा। पहले तो बड़े सिख परिवार सीगे, लेकिन जो 84 का कांड होया जे उत्ते जो मारकाट इतने छिड़ी, दुकाना दुकान लुटिया, काफ़ी कुछ नुकसान होया इतने का, वो डर करके लोग इतों चले गए। इन्ना विकास नहीं हो सकिया इस गुरुद्वारे का, फिर ये सिखी पंथ बहुत ही घट लोग रह गए। तो हूँ ये 4-5 साल तो असी लोग दोबारा सरदार सुरिंदर सिंह चंडो। 1 नवंबर सवेरे 7 बजे इतने इस गुरुद्वारे का हमला किया गया जी। गुरुद्वारे में बिल्कुल 2-3 हज़ार की तादाद लोग आए थे इतने। इस गुरुद्वारे में बिल्कुल अग लाती गई, महाराज की पीड़ा फाड़ती गई, तो साड़ती गई। जेड़े इतने के सिंह सवान से जो सेवादार से उन्होंने उत्थे शहीद कर दिता गया, तो होर भी जो सिंह आस पास से उन्होंने भी लिया के इतने शहीद कर दिता गया। इतों के जो सिंह साहब से उन्होंने की ना से जो शहीद किए गए? सरदार अमर सिंह जी जी इतने गए। गुरु ग्रंथ साहब दिन कि पीड़ा अगर भेट की उन्होंने? 6 पीड़ा इतने से जी, उसने अगर भेट की गई लोगों ने। ਇਹ ਟੀਨਾ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਕਾਨ ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਰ ਬਲਾਕ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ सरकारी कातला ने नवंबर 1984 विच अग ला के ढा दिता सी। इत्थों दे ग्रंथी सिंह रहराज साहब दे पाठ दे वक्त मिलणगे। पल्ला पंजवां रखे रखन हार आप उभारियन, गुर की पैरी पाए काय सवारियन, होआ आप दयाल मनो ना विसारियन, साध जिना कै संग पौजल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिनमाए बिदारेन, तिस साहिब की टेक
नानक मने मां जिस सिमरत सुख हो सगले दुख जा तिस साहेब की टेक नानक मने मां जिस सिमरत सुख हो सगले दुख जा। 1984 दे विच जदों राइट्स होया तो असीं अपने घर बार बैठे से उस टाइम ते दिन ही सी गुरु नानक बर्थडे का टाइम आ रहा सी ते असीं अपने घरां दे विच सी भोग पा पा के असीं घर जदों गए तो थोड़ी देर बाद करीब 11 बजे करीब इत्थे बहुत हल्ला हुल्ला मचिया काफ़ी कहने लगे भाई इंदिरा गांधी मर गई है ते नाले सिखां दे गुरुद्वारे साड़ रहे ने। उन्होंने आंदे सार पहले एस ब्लॉक का गुरुद्वारा साड़िया फिर अपने साढ़े आर ब्लॉक के छोटा गुरुद्वारा से वो साड़िया फिर यह गुरुद्वारा साड़िया फिर आई ब्लॉक का साड़िया बी ब्लॉक का साड़िया एच ब्लॉक का साड़िया आई ब्लॉक का साड़िया इस करके मंगोलपुरी के 12 गुरुद्वारे सन जिन्हों के अज 6 गुरुद्वारे ने और 6 गुरुद्वारे खत्म हो चुके हैं बिल्कुल ही। उन्हें जगह जुगा सब कुछ गौरमेंट के हवाले सब कुछ खत्म हो गया और अज तक भी सानू किसी भी तरफ तो कोई हैल्प नहीं हुई। साढ़े गुरुद्वार की हालत बहुत खराब है और साढ़े गुरुद्वारे जोड़े ना बने हुए ने वो इस करके कि इतने सिखा का बड़ा घाट है और जो है भी असं सिख है इतने तो गरीब लोग ने सारे टोटल सारे काम काज करने वाले ने कोई अमीर लोग नहीं है इतने सारे गरीब लोग ने और असी बहुत ही अपनी जाना निवार के अपने असी गुरुद्वारे की सेवा करते हैं संभालते हैं साढ़े उपर बड़ी औकड़ आई कई बार लेकिन फिर भी महाराज के 10 स्वरूप सी इत्थे जी। अच्छा जी हाँ जी पलंग ते रखे हुए सन सारे ते फिर जदों गुरुद्वारा साड़िया उन्होंने सारे स्वरूप साड़े उस तो बाद अंबाले वाले जिहड़े आउंदे ने स्वरूप लैण वास्ते असीं उन्होंने स्वरूप दिते फिर सारे जले हुए साढ़े कोल पए सी जिहड़े उन्होंने फिर संस्कार किया उन स्वरूपों का सारी जगह तो मतलब सेवा हुई है स्वरूपों की जिहड़े भी साड़े हुए स्वरूप ने सब गुरुद्वारे वाले अपने अपने जिन्हें भी सारे स्वरूप ने वो दे दौ तो उन्होंने असी दिता सारे स्वरूप वापस तो अज साढ़े कोल 2 स्वरूप ने। यह पारक नुमा जमीन जिदे विच चारे पासे गंदगी लोकां वल्लों अपने कुत्तियां नूं जंगल पानी लई इस्तेमाल करन दी थां अते बच्चियां दा बन गया खेड मैदान दरअसल गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा एफ ब्लॉक मंगोलपुरी दिल्ली दी थां है जिस दी इमारत नूं सरकारी कातला ने नवंबर 84 विच अग ला तबाह कर दिता सी जिथे कदी गुरु दी बाणी दा परवाह चलिया करता सी अज इत्थे तुसी गंदगी दी बदबू कारण खड़े भी नहीं हो सकते। इस गुरुद्वारे विच पए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे स्वरूपां दी बेअदबी करन तो बाद जला दिता गया। यह वीरान पई था गुरु घर दे नाम सरकारी कागजां विच दर्ज है पर मुड़ गुरु घर उसारिया नहीं जा सकिया अते ना ही इत्थे गुरु घर दे नाम दा कोई तख्ता ही लगन दिता गया। पहले था यहाँ गुरुद्वारा, हम तो ये चाहते हैं अभी यहाँ गुरुद्वारा बने, हमारी जो आसपास की संगत है सब साथ देगी। मेरा नाम भीमलता है और पहले गुरुद्वारा बहुत अच्छा था, ये बना हुआ था, सारा लंगर वगैरह भी चला, भंडारा भी चला, इसमें पक्का बना 30 साल हो गए इसको, 84 में टूटा है ये, बहुत अच्छा बना हुआ था। हम तो खुश हैं कि दोबारा से रोटी बनाई है यहाँ पे, बाग बगीचे सब कुछ लगा हुआ था यहाँ। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक वाला C3 सुल्तानपुरी दिल्ली 86। इस गुरु घर ते 1 अते 2 नवंबर नू हमला की